दोस्तों, किसी भी ब्रांड को इवॉल्व करना मतलब एक ब्रांड की जो जर्नी होती है बहुत लंबी होती है। लाइक अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूं तो इंस्टाग्राम 2010 में स्टार्ट हुई थी और आज 2022 तक 12 साल में वो दुनिया की सबसे बड़ी शॉर्ट प्लेटफॉर्म हो गई, इमेज अपलोड प्लेटफॉर्म हो गई। करेक्ट, यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस भी अपडेट होती है 15 to 60 सेकंड, इनफैक्ट अभी 90 सेकंड का भी प्रोविजन आ गया है, प्लस यहाँ पे इमेज अपलोड भी होता है। तो इन ब्रांड्स की जो जर्नी होती है ये किस तरह से इवॉल्व हुए इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और ये पूरी प्योर कॉपी पेस्ट मेथड होने वाला है। सच बता रहा, बहुत ही ईजी प्रोसेस होगा जिसमें आपको मजा आ जाएगा और आप इस तरह के वीडियोस बना के बहुत कमाने वाले हो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके जाऊंगा, वहां पे आपको मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि आप एक चैनल देख लो। एक दो चैनल मैं दिखाने वाला हूँ जिसके थ्रू से आपको पता चल जाएगा कि ये चैनल्स कितनी अर्निंग करती है, एवरेज की अर्निंग दिखेगी जो कि सोशल ब्लेड के थ्रू से दिखेगी, तो आप उससे एस्टिमेट लगा सकते हो। राइट, तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहला चैनल जो है दोस्तों वो है $254 से लेके $4.1K। ये चैनल पे देख लो 1.08 मिलियन व्यूज मंथली आती है। अगर मैं सेकेंड चैनल की बात करूँ तो इसकी 1.6K से लेके $25K पर मंथ है और इसकी 6.25 मिलियन व्यूज है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि इस चैनल्स में व्यूज बहुत आती है। राइट, मोनेटाइजेशन भी होती है। आप शॉक्ड हो जाओगे कि इतना छोटा चैनल मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ उसमें आपको ये इनकम दिखा रहा है, 4.1K इनकम। ठीक है, तो मैं दोबारा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैनल है वो देख लीजिए, फ्लैट लाइफ। ठीक है, ये किस तरह के वीडियोस बनाती है। इवोल्यूशन ऑफ स्पेसएक्स। स्पेसएक्स किसकी कंपनी है, आपको भी पता है, इलोन मस्क की कंपनी है। तो उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कब से स्टार्ट हुई और क्या हुआ। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ सैटर्न वी रॉकेट, इवोल्यूशन ऑफ लैम्बोर्गिनी। ठीक है, इस तरह की वीडियोस बनाती है। आप देख लो 135K, 18K, 18K इस तरह की व्यूज आ रही है। ठीक है, कुछ वीडियोज में तो भाई धमाकेदार 204K व्यूज, 323K व्यूज, देखो 475K व्यूज है ना, तो इतना व्यूज है दोस्तों। सेकंड चैनल जो है मैंने आपको बताया था मात्र 67,000 सब्सक्राइबर्स है, 67,000, मिलियंस में भी नहीं है। ठीक है, और इनके वीडियोस पे देख लो 73K, 1.2 मिलियन, 1.8 मिलियन, मतलब कितना लंबा लंबा और कितना बड़ा बड़ा व्यूज आता है। चैनल्स में वीडियोस किस तरह बनती है, बहुत ही सिंपल वीडियो है। मैं अगर आप बोलो तो एक वीडियो को मैं आपको चला के दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये लोग किस तरह का वीडियोस पे काम कर रहे हैं। जैसे ये फर्स्ट वाला देख लो, ठीक है, ये देखो, ठीक है, 2010 में इसकी लोगो कैसे थी, ठीक है, 11 में क्या हो गई, 16 में क्या हो गई, 2022 में क्या है। तो इस तरह के ये क्या है, इवैल्यूएशन वीडियोस है, मतलब ब्रांड की स्टार्ट कैसे हुई, एंड कैसे हो रही है। तो वीडियो को स्टार्ट करूंगा, पूरा A to Z बताने वाला हूँ कैसे आप इस तरह का वीडियो बनाओगे। वीडियो बनाने से पहले, दिखाने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम चैनल पे आओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलो सबसे पहले कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, और हमें रिसोर्स की जरूरत है। तो मान के चलो अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूं, ठीक है, तो इंस्टाग्राम लोगो जर्नी या इवैल्यूएशन आप कुछ भी टाइप करोगे आपको पूरा जर्नी मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लो, मैंने एक ओपन कर रखा है, यहाँ पे इसका डेटा भी दिया हुआ है किस कंट्री में सबसे ज़्यादा यूजर्स है, कहाँ पे है। जैसे इंडिया में 2021 की डेटा बताऊँ तो इंडिया में सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़र थे। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये रहा हमारा लोगोस, ठीक है, ये देखो, और इनकी टेक्स्ट की इवैल्यूएशन कब से कब कैसे हुई ये भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैनवा पे जाएंगे। कैनवा पे जाने के बाद डायरेक्टली मैं यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस टाइप करूँगा। दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ ना, आपको छोटा सा वीडियो इन पे बना के दिखा रहा हूँ। अब मल्टीपल ब्रांड्स को लेके इसी तरह टेक ब्रांड्स को लेके आप काम कर सकते हो, ठीक है, फूड ब्रांड्स को लेके काम कर सकते हो, ठीक है, स्पेस ब्रांड को लेके काम कर सकते हो, डिफरेंट आप ब्रांड्स को लेके इस तरह के वीडियोस बना सकते हो। तो आप अगर इंट्रो देना चाहो तो इंट्रो दे सकते हो, नहीं देना है का मन है मत दीजिए, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम एक डिसेंट बैकग्राउंड ले लेते हैं, डिसेंट बैकग्राउंड मान के चलो ये ले लिया, या ये ले लो, आपकी चॉइस है, आपको जो भी बैकग्राउंड पसंद है। मान के चलो ये मेरा इमेज है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे क्या है, मुझे फर्स्ट वाला ये चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको छोटा कर दूंगा,
इसको यहाँ से कट कर दूंगा, ठीक है, इसको मैं स्ट्रेच कर दूंगा। ये 2010 का लोगो हो गया, राइट। अब मैं इसको थोड़ा साइज छोटा कर देता हूँ, ठीक है। इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट मार दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हम इसको छोटा कर देंगे। अब यहाँ पे फिर से आएंगे, ठीक है। अब हमारा लोगो, सेकंड लोगो कौन सा है ये देख लीजिए, ये हमारा सेकंड लोगो है। देखो वीडियो बहुत ईजी है, मगर क्या है, आपको टॉपिक चूज करना आना चाहिए, ठीक है। आपको टॉपिक पता होनी चाहिए कि आप किस पे वीडियो बनाओगे। यहीं पे लोग मार खा जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको स्ट्रेच करो, राइट। ये देखो, ये देखो, सही है, कोई दिक्कत कहीं पे, कोई परेशानी हो रही है, देखो, ठीक है ना, सही है ना। अब मैं इसको फिर से कॉपी करूँगा, एक पेस्ट मार दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको फिर छोटा करूँगा, ठीक है, और इसको नीचे से लंबा कर दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से छोटा कर दूंगा, अब इसको स्ट्रेच कर दूंगा। भाई इतना इजी मेथड तो कोई बता ही नहीं सकता, ठीक है। अब देख लो जितना इजी मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको साइज में कोई भी दिक्कत हो तो आप क्या करोगे, इमेज का बैकग्राउंड को वाइट कर दो, टेंशन ही खत्म हो गया, खत्म हो गया ना, यहाँ पर टेंशन ही खत्म हो गया। लो ना बजेगी बास, ना रहेगी बास, सॉरी, ठीक है। इसको मैं यहाँ करूँगा, फिर से यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट मार दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को छोटा करना है इसको, और यहाँ पे लेके आ जाना है, ठीक है। ठीक है, मेरा थर्ड ये था, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब मुझे ये वाला यूज़ करना है, राइट। अब इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा लोगो का कॉन्सेप्ट। अब मैं इसको फिर से कॉपी करूँगा और एक बार फिर से पेस्ट मारूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे आऊँगा, टेक्स्ट का चेंजेस कैसे हुआ यहाँ पे, अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखो ये वाला, ओके। कॉपी किया इमेज, मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब मैं उसी तरह से फिर से यहाँ पे सेम टेक्स्ट का फॉर्मेट में यहाँ पे टेक्स्ट को मैं चेंज करता जाऊँगा, ठीक है। ये देखिए, सही है, सही है, ठीक है। फिर से कॉपी करूँगा, फिर पेस्ट मारूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ से मैं थोड़ा छोटा कर दूँगा, सेकंड लेके आऊँगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज कर दूँगा, ठीक है। ये इसको बड़ा कर दिया, सही है। फिर इसको कॉपी करूँगा, फिर पेस्ट मारूँगा। देखो कितना सिंपल मेथड है यार, हाँ। अब देखो ना कितना सिंपल मेथड है भाई, इससे सिंपल मेथड आपको कौन बताएगा, बताओ। यहाँ पे देखो, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह करके आप कॉपी पेस्ट मेथड में जाओगे। अब हमें क्या करना है, हमें हर एक इमेज के साथ एक ट्रांजिशन ऐड करना होगा। ट्रांजिशन किस तरह का, लाइक एनिमेशन करना होगा, ठीक है। ये वह, अब यहाँ पे जैसा आपको चाहिए आप वो उस तरह का एनिमेशन यूज़ कीजिए। राइस करना, राइस करो, यहाँ पे ये राइस कर दिया, मान के चलो इसमें मैं राइस कर दूँ, इसका मैं पैन रखूँ, इसका मैं राइस करूँ, बाकी अप्लाई टू हाउस लाइट्स कर देता हूँ, छोड़ो। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे जाऊँगा वापस, ठीक है। अब मुझे म्यूज़िक की ज़रूरत है, तो यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से आप म्यूज़िक डाउनलोड करना जानते हो आई बिलीव, नहीं जानते हो तो मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी, ऑडियो लाइब्रेरी ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको जो भी म्यूज़िक रिलेवेंट लगे आप अपने हिसाब से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। देखो जैसे कि हमारा लाइब्रेरी लोड हो गया, ऑलमोस्ट लोड हो गया, आपको जो भी म्यूज़िक यहाँ पे पसंद है आप उसको डाउनलोड कर दीजिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने ऑलरेडी म्यूज़िक यहाँ पे रखता हूँ क्योंकि मैं रेगुलर काम करता हूँ, तो देख लो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी म्यूज़िक डाल रखा है, ओके। अब यहाँ पे देख लो मैं काम करता हूँ, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, राइट। ये देखो,
देखो ठीक है, तो इस तरह करके आप क्या करोगे, इवोल्यूशन वीडियोस बनाओगे और इसी तरह से कंटिन्यू करोगे काम। आपको अगर टॉपिक की कमी हो रही होगी तो आप क्या करो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, आई विल हेल्प यू आउट विद टॉपिक्स। मैं टॉपिक्स से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस क्वेरीज और सॉल्यूशंस हो सकता है मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, क्या करोगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू हेल्प यू आउट एज मच एज आई कैन। फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।